मालदा रेलखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल के आईजी एएन मिश्रा ने आरपीएफ पोस्ट के नए भवन का उद्घाटन नारियल फोड़ और फीता काटकर किया। उद्घाटन से पूर्व आरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत अन्य रेल पुलिस बलों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बताया कि साहिबगंज आरपीएफ का कार्यालय भवन समेत बैरे काफी पुराना हो चुका था, जिसे लेकर आईजी एएन मिश्रा ने आरपीएफ पोस्ट के लिए नए भवन का उद्घाटन किए। मौके पर आईजी श्री मिश्रा ने कहा कि साहिबगंज रेल पुलिस यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध है, साथ ही साहिबगंज आरपीएफ के जवान लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। इनके अच्छे कार्य को देखते हुए साहिबगंज आरपीएफ पोस्ट को 5,000 रूपए से पुरस्कृत किया गया, साथ ही यहां के इंचार्ज को भी 2,000 रूपए का रिवार्ड दिया गया। कहा कि रेल पुलिस किसी भी आपराधिक कृत्यों से निपटने के लिए तैयार है। काफी दिनों से नए भवन की मांग हो रही थी, जिसे लेकर आज नए पोस्ट भवन का उद्घाटन किया। आज आरपीएफ पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। यह एक नई पोस्ट है और जैसे आपको पता है कि साहिबगंज बहुत ही पुरानी जगह है, पुराना डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका स्थान बिहार के बहुत ही पुराने शहर के रूप में है। और हमारे यहाँ पर आरपीएफ पोस्ट था, लेकिन उसमें उतने जगह या पर्याप्त जगह नहीं था, जिससे हम लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो फिर प्रशासन ने उचित समझा कि यहाँ पर आरपीएफ का एक प्रॉपर पोस्ट हो, और यह काम हम लोग मालदा डिवीज़न में और ईस्टर्न रेलवे में आरपीएफ पोस्ट और बैरक का नवीनीकरण हो या नए बैरकों का या ऑफिस का उद्घाटन हो या उसकी स्थापना हो, हम लोग बराबर कर रहे हैं। जैसे मुझे आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि भागलपुर का जो है बैरक, जो कि काफ़ी सालों 50 साल से ऊपर पुराना बैरक है, उसमें मात्र हमारे 30 लोगों के रहने की व्यवस्था है। अभी प्रशासन ने उसका सैंक्शन दे दिया है, मैंने उसमें अपनी मंजूरी दे दी है और 2,10,00,000 की लागत से एक भव्य आरपीएफ बैरक की वहाँ पर जल्द से जल्द उसका काम पूर्ण हो। तो यह सतत प्रक्रिया है कि हमारा स्टाफ ठीक से रहे और हमारे जो अफसर और साहबान जो अपने ऑफिस में ड्यूटी करते हैं वो अच्छे तरीके से इफेक्टिवली ड्यूटी करें, इसी का यह प्रयास है। थैंक यू। मौके पर आईजी एएन मिश्रा के अलावे राहुल राज, डीएसी मालदा, नरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर व आरपीएफ के रेल पुलिस पदाधिकारी समेत दर्जनों रेल पुलिस मौजूद रहे।